आसनसोल रेलवे डिवीजन के ट्रेन मैनेजर ने आज आसनसोल के डीआरएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि रेलवे प्रबंधन द्वारा लाइन बॉक्स हटाकर ट्रॉली बैग इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, जो उनको स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइन बॉक्स भारी संख्या में ऐसे सामान रहते हैं जो सुरक्षा से संबंधित है, उनमें एक डेटोनेटर भी रहता है। रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ट्रेन मैनेजर को ये ट्रॉली बैग खुद अपने घर लेकर जाना होगा और फिर काम के समय इसे लेकर आना होगा। ये ट्रेन मैनेजरों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके पद मर्यादा के समान नहीं है। इसके अलावा ये बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि डेटोनेटर उसमें होता है, वो फट सकता है, घर ले जाने पर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा लाइन बॉक्स या ट्रॉली बैग में सुरक्षा संबंधित जो सामग्रियां होती है उनका वजन इतना ज्यादा होता है कि उसे ले जाना और फिर ले आना संभव नहीं है। पहले ट्रेन के जरिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एवं ले आना किया जाता था, लेकिन अब ट्रॉली बैग में भरकर ट्रेन मैनेजर को इन्हें ले जाना ले आना करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं लाइन बॉक्स हटाए जाने के संबंध में, जो कि प्रशासन हमारे लाइन बॉक्स के बदले में ट्रॉली बैग देना चाह रही है, जिस जो कि हम लोग मैंने एक हम लोग प्रेस्टी मैंने सुपरवाइज़र हम लोगों को बोला जाता है ट्रेन मैनेजर का, तो उसमें लाइन बॉक्स में जो है बहुत सारा इक्विपमेंट जो रेल से संबंधित रहता है उसको हम लोग रेल के द्वारा पहुँचाया जाता है गार्ड के ब्रेक वैन तक, और जहाँ हम लोग ट्रेन पहुँचाते हैं वहाँ से उतार के एक मैंने सुविधाजनक जगह पे उसको रखा जाता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक रहता है। लेकिन वो अभी रेल प्रशासन हमारे उसके बदले में ट्रॉली बैग देना चाहती है, जो कि सारा कैरी सामान आप खुद कीजिए, खुद घर ले जाइए, खुद ले के आइए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग इस प्रशासन से आग्रह है कि आप जो है इन सारे सामान को एक ऐसा मैंने ट्रेन में ही व्यवस्था करिए, या फिर ऐसा आदमी व्यवस्था करिए जो हम लोगों का ले जाने में ये करे, कामगार हो। हम लोग को दिक्कत नहीं, हम लोग का मैंने कि एक सुपरवाइज़र आप बनाए हम लोगों को, फिर उसको कुली बनाने में कुली मत बनाइए। दिनेश पंडित, आसनसोल ट्रेन मैनेजर, सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। मैं आसनसोल आईजीसी सेक्रेटरी, ठीक है। हम लोग आज जो 11/9 एक धरना पर बैठे हुए हैं, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो लाइन बॉक्स है उसको हटाकर ट्रॉली बैग हम लोगों को दिया जा रहा है, जो कि ट्रॉली बैग हम लोगों को सहन नहीं है, क्योंकि ट्रॉली बैग में जो सामान आ सकता है वो लाइन बॉक्स के में जो आता है उसके खिलाफ एकदम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लाइन बॉक्स में हम लोग का इक्विपमेंट जो आता है लगभग 16-17 होता है हम लोग का, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको कैरी करना भी सही नहीं रहता है, और उसमें एक डेटोनेटर होता है, पटाखा जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव होता है वो, उसको हम लोग घर ले आना, उसको घर में ले आते हैं, अगर बाई दफे किसी वजह से घटना हो जाता है तो फूट जाता है तो हमारा घर को भी नुकसान हो सकता है। हम लोग जो कर रहे हैं ट्रॉली बैग का विरोध, वो अपने लिए नहीं कर रहे हम लोग रेल के लिए ही कर रहे हैं, कि रेल को उसके लाभ है, ट्रॉली बैग से हमारा कोई नहीं है। ट्रॉली बैग आप करिए, एक उसका व्यवस्था कीजिए उस तरह से कि हम लोग उसको घर ना ले जाए, हम लोग यहाँ से हम लोग ट्रेन पे पहुँचा दिया जाए और ट्रेन से फिर ले जाया जाए, वो जिम्मेदारी रेल का रहे, हमारा जिम्मेदारी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है, अगर वो एक भी चीज़ मिसिंग होता है इसका जिम्मेदार हमें माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सारा चीज़ संरक्षा सुरक्षा से है, ठीक है, वो चीज़ रेल हमें देती है संरक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, मगर अभी क्या कर रही है रेल उसको एक सीमित किया जा रहा है, जिसमें एक ट्रॉली बैग दिया जा रहा है हम लोगों को। ट्रॉली बैग में हमें उसके पूरा जिम्मेदारी हमें ले जाना होगा उसे लेकर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।